नमस्कार एनसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। फरीदाबाद के सीकरी गांव में स्थित डिपो होल्डर पर राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं ने मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने डिपो होल्डर पर मनमानी कर पिछले कई महीनों से सरकारी राशन नहीं देने का आरोप लगाया। महिलाओं ने बताया कि राशन लेने आने पर वह राशन पीछे से नहीं आने की बात कहकर उन्हें टाल देता है। ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं बल्कि कई कई बार हो चुका है। इन्हीं समस्याओं से नाराज होकर आज फरीदाबाद के सीकरी गांव में सैकड़ों महिलाओं ने डिपो होल्डर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वैसे कोई समस्या नहीं है, आसपास लोग आ रहे हैं, खूब लेने आ रहे हैं। जो आसपास गांव भी है वे भी लेना चाहते हैं, पूरी छूट दे रखी है। कोई आसपास कोई भी गांव का, यहाँ तक कि बल्लभगढ़ तक का लेना आ सकता है, यहाँ पे लेना आ सकता है कोई भी। और हर महीना गेहूँ बट रहा है। पीडीएस नंबर मेरा 10-10 है। तो महिला गांव के अंदर चौपाल पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें गेहूँ नहीं मिलता, हम गेहूँ लेने जाते हैं तो वहाँ से हमको भगा दिया जाता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कुछ ऐसा हो जाता है, भीड़ भाड़ हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग बार आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए थोड़े बहुत वो करवाना पड़ जाता है, थोड़े बहुत समझाने के लिए और थोड़ी बहुत वैसे दिक्कत कोई। कौन है ये महिला जो आपका नाम ले रही है और प्रदर्शन कर रही है, कौन है ये? कोई नहीं, वैसे आप अफवाह फैलाई हुई है, वैसे अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ पे हमारे गांव में एक और डिपो बन रहा है, वो बन रहा है, झूठ बोलकर वैसे ही ये झूठ अफवाह फैला देती है। जो आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं गलत है, महिला भी गलत नहीं, लेकिन उसे बहकाया जा रहा है, मतलब उस हिसाब से बहकाया जा रहा है उन्हें, तो उनको बहकाया जा रहा है। उनको काफी मात्रा में ले गए हैं, 50 से 60 महिलाएं हैं जो प्रदर्शन कर रही है कि डिपो धारक के हिसाब से हमें गेहूँ नहीं मिल पाता और उन्होंने कंप्लेंट आपकी लगाई हुई है, क्या कहना है इस बारे में? वैसे कोई कहने कुछ नहीं कहना है क्योंकि कुछ बहकाव में आ जाती है और कुछ वैसे भी है। और कोई जैसे कि यहाँ पे काफी मात्रा में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको काफी मात्रा में दिखाई दे रहा होगा, वे भी मतलब कि कुछ गलत बयान दुआ देते हैं उनको। तो डीपीएल धारकों को क्या क्या डिपो से मिलता है? हमारे यहाँ से गेहूँ तो सबको मिलता है, डीपीएल वाले को तेल मिलेगा। एक जी क्या दिक्कत है, किस लिए आप राशन नहीं मिलता है जी, इसलिए दिक्कत। कब से नहीं मिल रहा? घने दिनों से नहीं मिलता, आधा देते आधा नहीं देते। तो गरीबों को क्या नाम है, बीपीएल कार्ड नहीं है, बड़े बड़े आदमियों को बीपीएल कार्ड है। तो आपका कैसा कार्ड है? हम पे ये सफेद वाले कार्ड है, इस पे भी आधा देते आधा बाजरा दे देते, कभी आधे खा जाते। अब कितने समय से नहीं मिल रहा? अब तो घने समय से नहीं मिल रहा। तो क्या आपने पता करिए डिपो होल्डर से किस वजह से गेहूँ नहीं मिल रहा? कहते पीछे से नहीं आता। तो कितने सारे परिवार हैं, किसी को गेहूँ नहीं मिल रहा? किसी को मिलता, किसी को नहीं मिलता, किसी को कैसे कहते हैं महोदय इकट्ठी करते हैं, सभी ऐसे सारी माई बहनों ऐसी हैं, सभी इसी में इकट्ठी हैं यहाँ पे। क्या ये बीपीएल परिवार है इनमें? बीपीएल एक आध होगा नहीं, इन पे मोसले के किसी पे न दिखे बीपीएल। बड़े बड़े लोगों पे बीपीएल कार्ड, बड़े बड़े लोगों पे गरीब बना कह रहे हैं, हम बोरे बना रखे हैं।